बांदा में आज 5 सूत्री मांगों को लेकर के सभा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। प्रदेश में बढ़ रहे अपराध, बिजली पानी, किसानों का उत्पीड़न को लेकर के ये ज्ञापन था। सपा जिला अध्यक्ष की अगुवाई में आज सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए सपाइयों ने कहा है कि यूपी में भाजपा की सरकार फेल है। जब से प्रदेश में सरकार बनी है तब से अंधेर गर्द मची हुई है। कानून व्यवस्था फेल है, लोग पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज ये समाजवादी पार्टी की तरफ से डीएम साहब के माध्यम से राज्यपाल जी को हम ज्ञापन देने का काम किया है। शहर की और जिले की और पूरे प्रदेश समस्याओं को लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे डीएम साहब के यहाँ किया गया। आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ नहीं है। शहर में हर मोहल्ले में पानी का किल्लत है, जनता त्राई त्राई कर रही है। कोई दिन दहाड़े जिसको चाहता है जो चाहता है गोली मार देता है। जिस बहन बेटी की जो है इज्जत लूट ली जाती है, बलात्कार हो रहे हैं, ज़मीनें हड़प किए जा रही हैं और ज़मीनों पे अवैध कब्जा किए जा रहे हैं और सरकार के लोग केवल बालू में मस्त हैं। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है और देश की पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इसको सारी समस्याओं को लेकर के आज समाजवादी पार्टी ने डीएम साहब के माध्यम से राज्यपाल जी को हम ज्ञापन देने का काम किया है। यदि हमारी मांगे अगर पूरी न की गई तो हम लोग जेल भरने का काम करेंगे और यहाँ पर धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल और जो भी है समझ में आएगा, समाजवादी पार्टी जनता के लिए हर काम करने के लिए तैयार है 24 घंटे। आज ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल महोदय को यह अवगत कराया गया है कि यूपीए सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, इसको बर्खास्त किया जाए। बांदा से बीएन समाचार के लिए कासिम खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एबीएन समाचार को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम चाहते हैं आप रूबरू हो देश विदेश की हर छोटी और बड़ी खबरों से।